टीवी के सीरियल भाग्यलक्ष्मी में लक्ष्मी पहुंच गई है ओबेरॉय हाउस, जिसके चलते मलिष्का का डर बढ़ गया है और वो पहुंच गई है ऋषि के कमरे में। अपने बेड को ऋषि के बेड से मिलाने के लिए, असल में शादी के बाद से लेकर अब तक ऋषि और मलिष्का दोनों अलग अलग बिस्तर पे सोते थे। ऐसे में मलिष्का अब चाहती है कि दोनों के बिस्तरों को मिला दिया जाए, ताकि लक्ष्मी को ये देखकर ये यकीन हो जाए कि ऋषि मलिष्का के साथ शादीशुदा जिंदगी बिता रहा है। जिसको लेकर ऋषि बवाल भी करता है, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाती है नीलम और करती है फैसला, जिसके चलते ना चाहते हुए भी ऋषि को अपने बेड को मलिष्का के बेड से जोड़ना पड़ता है और इसमें ऋषि की मदद करता है आयुष। Let's hope it's a speed breaker. अभी तो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर ही चल रहे हैं, स्पीड तो बन नहीं पा रही है, बट वही है। हाँ, लक्ष्मी देख लेगी, और जो पूरी एक्टिविटी थी वो उसका मेन मकसद ही ये था कि लक्ष्मी देखेंगे बेड को जुड़े हुए। और जो लक्ष्मी देखती है वो बुरा ये हुआ कि बेड जुड़ते हुए नहीं देखा, उसने देखा कि ऋषि जोड़ रहा है बेड। और आई डोंट नो वो मेरा एंगल देखती है नहीं देखती, मैं जब जोड़ रहा हूँ तो मुझे नहीं पता, पर वो ऋषि को जोड़ते हुए उसने देखा है तो उसको ये लगा कि ऋषि तो अपने एंड से भी पूरी एफर्ट कर रहा है। जबकि जो चीज़ मेंटेन लक्ष्मी के सामने ये हुई थी, जो उसे बताया गया, वो ये बताया कि शादी हो गई है पर वो सिर्फ समाज की नज़रों में हुई है, ऐसे शादी नहीं हुई है। बट ये होता हुआ, ये एक्टिविटी होती हुई देखेगी जब लक्ष्मी, तो उसे लगेगा कि ऋषि झूठ बोल रहा था और कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेंगी, तो ये होता दिख रहा है अभी तो। भाई मलिष्का जो चाहती थी ऋषि के कमरे में वो तो हो गया है, लेकिन अभी भी मलिष्का की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग रुकी नहीं है, क्योंकि मलिष्का का साथ करिश्मा, उसकी सासू माँ नीलम और मौसी दे रही है। ऐसे में अब करिश्मा मलिष्का को ज्ञान दे रही है कि अगर इस घर में अपना हक जताना है तो रसोई में लक्ष्मी को जाने से रोकना होगा। ऐसे में तीनों मिलकर यहाँ प्लानिंग रच रही हैं, तो वहाँ लक्ष्मी पहुँच गई है रसोई में ऋषि के लिए काढ़ा बनाने के लिए, क्योंकि ऋषि की तबीयत जो खराब हो गई है। और देखिए कैसे धीरे धीरे कर लक्ष्मी अब इस घर में अपना हक जताएगी। कि अब लक्ष्मी की एंट्री तो हो ही गई है हमारे घर में हमारी मर्जी के खिलाफ, अब कोर्ट ऑर्डर ही आ गया, फिर जज ने ये भी कह दिया है कि तुम पर नज़र रखी जाएगी, मीटिंग होगी लक्ष्मी से पूछने के लिए कोई तंग वंग तो नहीं कर रहा। तो अब हम यही सोच रहे हैं कि जो भी हमें करना है बहुत ही सोच समझ कर करना है, और कुछ इस तरह हमें लक्ष्मी का जीना ही मुश्किल कर देना है इस घर में कि वो अपने आप ही घर छोड़ के चली जाए। तो अब उसी के बारे में मेजर प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। मतलब नीलम भाभी ने मुझे और आंचल को तो खुली छूट दे दिया कि अब तुम्हें जो करना है करो, कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग करो, बस मुझ तक बात नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पर मलिष्का को भी हम यही समझा रहे हैं कि थोड़ा स्मार्ट बनो, ना तो अपने बेडरूम में एंट्री दो ना किचन में एंट्री दो, क्योंकि एक बार किचन में एंट्री कर ली तो वो घर की मालकिन बन जाएगी। तो उसको वही सब सीख दी जा रही है। और नीलम भाभी ने तो उसे और भी एक बड़ी सीख दी कि जिस तरह रोहन लक्ष्मी से प्यार करता है उसी तरह तुम भी पारो से प्यार करो, ताकि पारो भी तुम्हें उतना ही पसंद करे जितना रोहन लक्ष्मी को करता है। तो तुरुप का इक्का तो नीलम भाभी ने ही मारा है यहाँ पर। और अब देखिए हमारी ये प्लानिंग प्लॉटिंग कितनी सक्सेसफुल होती है, क्या हम कामयाब होते हैं लक्ष्मी को इस घर से निकालने में या नहीं। तो यही ड्रामा है फिलहाल भाग्य लक्ष्मी। भाई रसोई में लक्ष्मी को देखकर अब करिश्मा ने फैसला किया है मलिष्का को दूसरी प्लानिंग बताएगी, और वो प्लानिंग है कि जिस तरह रोहन लक्ष्मी के करीब है उसी तरह वो पारो को अपने करीब लेकर आए, ताकि आगे चलकर पारो मलिष्का को अपनी मम्मी कहे और लक्ष्मी ऋषि की जिंदगी से दूर चली जाए। तो वहीं दूसरी ओर मम्मी पापा यानी कि लक्ष्मी और ऋषि को एक करने के लिए पारो और रोहन दोनों ही अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, और उनकी इस प्लानिंग में शालू दे रही है साथ। तो देखना होगा कि अब रिश्तों को जोड़ने में इस घर में किसकी जीत होगी और किसकी हार। अब देखिए हम तो 24/7 पहनाते हैं ना आपको एंटरटेनमेंट कसका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।